नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। राजस्थान में इन दिनों एक वीडियो चर्चा में है। दरअसल हाल ही में एक 16 साल के क्रिकेटर की बॉलिंग प्रैक्टिस का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बॉलिंग करता नजर आ रहा किशोर क्रिकेटर राजसमंद के मोजामतों का गुड़ा गांव का रहने वाला है। 12वीं कक्षा का छात्र भरत सिंह खरवट भारत की तरफ से क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन संसाधनों की कमी भरत के लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर रही है और यही परेशानी साफ तौर पर भरत के इस वीडियो में देखी जा सकती है। भरत खुले स्थान पर नेट बांधकर सिंगल स्टंप पर प्रैक्टिस करता है। बॉलिंग की लाइन और लेंथ इतनी सटीक कि लगभग हर बार उसकी बॉल स्टंप पर लगती है। इस वीडियो को राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर शेयर किया। राहुल ने लिखा, हमारे देश के कोने कोने में अद्भुत प्रतिभा छिपी है जिसे पहचान और बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। राहुल गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि मेरा निवेदन है, इस बच्चे का सपना साकार करने के लिए आप इसकी सहायता करें। राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट में दिया। गहलोत ने लिखा कि ऐसा ही होगा, हम हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट कर कहा कि खिलाड़ी को जयपुर की क्रिकेट अकेडमी में प्रवेश दिलाया जाएगा। बता दें कि 16 साल के भरत सिंह अपने ननिहाल में रहते हैं। भरत ने बताया कि उसने खुद ने ये वीडियो शूट किया है। भरत ने कहा वो वीडियो बनाने के लिए मोबाइल को पत्थर पर रखता है। उसने बताया वो करीब 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। गांव में उसने ऊबड़ खाबड़ जगह को साफ कर 50 मीटर में पिच बनाया। अकेला प्रैक्टिस करता था, इसीलिए मछली का जाल लगाकर नेट को बनाया गया। और भरत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए वो अपने मामा के पास चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी पैसों की कमी थी, इसीलिए वो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन अभ्यास लगातार जारी रहा। अब भरत चाहता है कि उसे अच्छी एकेडमी में प्रवेश मिले, ठीक कोचिंग मिलेगी तो वो अच्छा बॉलर बन सकता है। लेकिन यहाँ अगर कुछ दिखाई देता है तो वो है भरत का जज्बा। सुविधा न होने के बावजूद भी भरत लगातार प्रयास कर रहा है। चाहे भरत आर्थिक तौर पर मजबूत न हो, लेकिन उसके इस जज्बे को देखकर कहा जा सकता है कि जल्द ही भरत को उसकी मंजिल मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।